अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फॉरवर्ड पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास 9, सब्जेक्ट पाकिस्तान स्टडीज़, चैप्टर 3, लैंड ऑफ पाकिस्तान, एंड आई एम योर टीचर दुर्रे शहवार। स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं क्लाइमेट को। ठीक है, रीड करते हैं, गौर से देखिए आप। द एवरेज कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर प्रेशर एंड रेनफॉल ऑफ अ प्लेस और रीजन फॉर ए लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम में जो होगी एवरेज कंडीशन, तकरीबन 30 ईयर्स में, इट इज़ कॉल्ड क्लाइमेट। ये क्लाइमेट कहलाता है। फिर वेयर एज इफ इट इज़ फॉर शॉर्ट टाइम, शॉर्ट टाइम, ठीक है, दैट इज़ अ डे और अ वीक, देन इट इज़ कॉल्ड वेदर। ठीक है, अगर थोड़े अरसे के लिए कोई कंडीशन होती है तो वो वेदर कहलाती है। जैसे ऑन अ सर्टन डे इट इज रेनिंग हैविली एट लाहौर, द वेदर ऑन दैट डे ऑफ लाहौर इज रेनी। अब उस दिन के लिए रेनी होगा, बट इट डजेंट मीन दैट द क्लाइमेट ऑफ लाहौर इज रेनी। ठीक है, द क्लाइमेट ऑफ लाहौर इज ड्राई एंड हॉट बिकॉज द नंबर ऑफ ड्राई डेज फार एक्सीड द नंबर ऑफ रेनी डेज। ठीक है ना, ज़्यादा दिन वहाँ के जो है वो ड्राई हैं और गर्म है, तो इस वजह से वहाँ का जो क्लाइमेट है वो ड्राई और हॉट ही रहेगा। चाहे चंद दिन के लिए बारिश होती है तो वो उस दिन के लिए फिर वो वेदर होगा रेनी। समझ आई आपको बात? तो ये चीज़ें बताती हैं कि वेदर किसे कहते हैं और क्लाइमेट किसे कहते हैं। ठीक हो गया। क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस और एरिया डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। इक्वेटर से जितना डिस्टेंस होगा उतना ही उस इलाके का वेदर जो है वो कोल्ड होगा, और जितना कोई इलाका इक्वेटर के करीब होगा तो फिर वो हॉट होगा। क्यों कि देखें, इक्वेटर के सीधे इक्वेटर पर सूरज की शुआएं बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, ठीक है ना, तो वो इलाके गर्म होते हैं, और जैसे जैसे इक्वेटर से दूर होते जाएं तो सूरज की शुआएं जो है वो तिरछी पड़ती हैं, ठीक है ना, वो डायरेक्ट नहीं पड़ती उस जगह पर, तो फिर वो इलाके जो है ठंडे होते हैं। ठीक है, फिर सी लेवल से जितना ऊंचाई पर जाएंगे तो वो इलाके ठंडे होते हैं, जितना एल्टीट्यूड ज़्यादा होगा। अब हमारे नॉर्दर्न एरियाज देखिए, वहाँ पर ठंड पड़ती है, ठीक है ना। फिर डायरेक्शन ऑफ विंड्स एंड माउंटेन्स, ये भी इफेक्ट करते हैं, ठीक है, क्लाइमेट पर। ये तमाम चीज़ें हैं जो कि इफेक्ट करती हैं। पाकिस्तान इज सिचुएटेड इन द सब ट्रॉपिकल रीजन अबव द इक्वेटर। तकरीबन इक्वेटर के तकरीबन सेंटर में ही है पाकिस्तान ना, तो इस वजह से यहाँ का जो वेदर है वो ड्राई और हॉट है। ठीक है, ओनली साउदर्न एरियाज फॉल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सी विंड्स। यहाँ पर समंदरी हवाएं चलती हैं। अब साउदर्न एरियाज कौन सा? ये कराची का इलाका हमारा, सिंध का जो है, यहाँ पर जब समंदर से हवाएं चलती हैं तो अपने साथ वो नमी लाती हैं, और फिर वो वहाँ का इलाका जो है मुतदिल है। तकरीबन तमाम इलाका जो है उस तरह से नहीं होता, गर्म नहीं है। मॉनसून एंड वेस्टर्न विंड्स काज रेन इन सम रीजन्स एट द एंड ऑफ समर एंड विंटर रिस्पेक्टिवली। तो जो मॉनसून है जो अपने साथ नमी लेकर आती हैं, वो उन हवाओं की वजह से जो है समर और विंटर में जो है वो फिर वहाँ पर बारिशें होती हैं। ठीक है, तो उससे इफेक्ट होता है, मतलब वेदर चेंज आती है। व्हाइल द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न माउंटेन डिक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ कोल्ड विंड कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ इन विंटर। शुमाली और मगरबी पहाड़ शुमाल से चलने वाली ठंडी हवाओं की शिदत को कम करते हैं, उसकी इंटेंसिटी को कम करते हैं। इसी तरह से इन द हाई माउंटेनियस एरिया द वेदर चेंजेस विद द एल्टीट्यूड। यानी जितनी ऊंचाई पे जाते जाएं पहाड़ी इलाकों में तो वहाँ पर फिर ठंड उसी तरह से ज़्यादा हो जाती है। अक्सर मकामात पे आप लोग देखते हो, देखो गर्मियाँ होती हैं लेकिन जब हम हिली एरियाज में जाते हैं तो वहाँ पर बर्फबारी भी हो रही होती है, बारिशें भी हो रही होती हैं और ठंडा मौसम होता है। सैर के लिए जाते हैं ना हम मरी नथिया गली, वहाँ पर देखते हैं। अब पेशावर से अगर हम जाएँ, पेशावर में गर्मी होती है लेकिन जब हम जैसे जैसे ऊंचाई पे हिली एरियाज पे जाते हैं तो वहाँ पर ठंड होती है, ठीक है ना। तो ये इससे फिर द वेदर चेंजेस विद द एल्टीट्यूड। क्लियर हुआ?
of climatic zone of Pakistan. Pakistan is situated in the subtropical region. मैंने आपको पहले भी बताया कि सब तकरीबन इक्वेटर के करीब करीब है पाकिस्तान जो है. तो देयरफॉर इट्स क्लाइमेट इज़ हॉट एंड ड्राई. सी कोस्ट मूनसून वेस्टर्न विंड्स एंड हाई माउंटेन्स ब्रिंग वेरिएशन, यानी तब्दीलियां लाते हैं तमाम अवामिल जिनमें जो है मूनसून वेस्टर्न विंड और बुलंदी वाले पहाड़ यानी कि ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये तमाम अब इन इलाकों में फिर वेदर चेंज होता है. अब ये नहीं है कि पाकिस्तान का ड्राई एंड हॉट क्लाइमेट है तो हर वक्त गर्मी भी होगी, हर वक्त जो है वहाँ पर मौसम गर्म होगा, नहीं. अब अगर वेस्टर्न हवाएं चलती हैं तो फिर मूनसून हवाएं चलती हैं, अपने साथ जो है नमी लेकर आती हैं, समंदर से चलने वाली हवाएं नमी लाती हैं. जब यही हवाएं जो है पहाड़ों से टकराती हैं तो फिर वो बारिशें भी बरसाती हैं, ठीक है ना. और इसी तरह से जितना हम पहाड़ पे ऊपर, जो मैंने आपको अभी बताया कि जैसे जैसे एल्टीट्यूड ज़्यादा होगा वैसे वैसे जो है वहाँ पर फिर मौसम भी चेंज होता है, बारिशें भी होती हैं, बर्फबारी भी होती है, ठीक है. पाकिस्तान कैन बी डिवाइडेड इंटू 8 रीजन्स ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट, ठीक है. अब वन बाय वन हम पढ़ते हैं, इनको रीड करते हैं. अब 8 रीजन्स कौन से हैं? हाई माउंटेनियस रीजन, ह्यूमिड माउंटेनियस रीजन, सेमी ड्राई माउंटेनियस रीजन, ह्यूमिड प्लेन, सेमी ड्राई प्लेन, सेमी डेजर्ट, डेजर्ट, कोस्टल रीजन, ठीक है. ये हम सारे पढ़ेंगे, 8 रीजन्स हुए. सबसे पहले पढ़ते हैं हाईलैंड्स, बुलंद पहाड़ी खिता. हेयर द टेम्परेचर इज लो बिकॉज द हाई एल्टीट्यूड. अब यहाँ पर जो है कम होता है टेम्परेचर क्योंकि ऊंचाई ज़्यादा है. इन विंटर देर इज़ अ हैवी रेनफॉल एंड स्नोफॉल. सर्दियों में बहुत ज़्यादा बारिशें और बर्फबारी होती है. द वेदर इज एक्सट्रीमली कोल्ड. बहुत ठंडा मौसम होता है सर्दियों में. इन विंटर, इन समर द वेदर इज प्लेजेंट. गर्मियों में खुशगवार होता है मौसम. वेयर इज द रेनफॉल इज लो ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मानसून विंड्स. अच्छा, मानसून हवाएं नहीं चलती हैं जिनकी वजह से बारिशें भी कम होती हैं. मानसून हवाएं जब चलती हैं ना बेटे तो अपने साथ ये जब समंदर के रास्ते से आती हैं तो फिर अपने साथ नमी लाती हैं और फिर ये समंदर, ये जब हाईलैंड से ये हवाएं टकराती हैं तो फिर बारिशें होती हैं. दिस रीजन कंटेन नॉर्दर्न एरियाज एंड पार्ट्स ऑफ खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस, ठीक है. फिर आते हैं ह्यूमिड माउंटेनियस रीजन. ह्यूमिड कहते हैं मरतूब. तो मरतूब पहाड़ी खिता क्या है हमारा, कौन सा है, क्या खसूसियात हैं इसकी. दीज आर द एरियाज ऑफ लो एल्टीट्यूड माउंटेन्स. कम ऊंचाई वाले पहाड़ हैं. वेयर हैवी रेनफॉल ड्यू टू मूनसून एंड वेस्टर्न विंड्स. मूनसून कौन सी हवाएं होती हैं? दिस इज अ विंड सिस्टम जो कि एक लार्ज क्लाइमेटिक रीजन पर ही असरअंदाज होता है और सीजनली अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है, रिवर्स करता है. जैसे साउथ वेस्ट और वेस्ट से चलने वाली हवाएं जो समर सीजन में ये फिर अपने साथ बारिशें लाती हैं, सितंबर से मई तक ये हवाएं चलती हैं, ठीक है, साउथ एशिया में. फिर इसी तरह से ये चलती हैं अक्टूबर से अप्रैल तक. फिर साउथ ईस्ट और साउथ से एशिया में चलती हैं, ठीक है. यानी कि पहले वेस्ट में चलती हैं, साउथ वेस्ट से और वेस्ट में चलती हैं, फिर उसके बाद ये अपने डायरेक्शन चेंज करती हैं, फिर साउथ ईस्ट से साउथ ईस्ट और साउथ में चलती हैं, ठीक है. इन समर द टेम्परेचर इज मॉडरेट एंड हैवी रेनफॉल ड्यू टू मानसून. गर्मियों में जो है टेम्परेचर जो है वो मोतदिल होता है और ज़्यादा बारिशें होती हैं ड्यू टू मानसून. अबंडेंट रेन एंड स्नोफॉल इन विंटर. बहुत ज़्यादा अबंडेंट, बहुत ज़्यादा बारिश होती है और बर्फबारी भी होती है विंटर में. फेमस एरियाज ऑफ टूरिज्म इन दिस रीजन आर मरी, गिलगित और पारा चनार. सियाहत के जो मकामात हैं वो मरी, गिलगित और पारा चनार हैं. सेमी ड्राई माउंटेनियस रीजन. नीम खुश्क पहाड़ी खत्ते कौन से हैं? दीज आर माउंटेनियस एरियाज ऑफ लो एल्टीट्यूड. कम ऊंचाई वाले ये पहाड़ी इलाके हैं. वेयर ड्यू टू वेस्टर्न विंड्स रेन फॉल्स, बारिशें होती हैं. एंड समटाइम्स स्नो फॉल्स इन विंटर. सर्दियों में बाज़ों का जो है बर्फबारी भी होती है. समर इज़ मॉडरेट एंड ड्राई. गर्मियाँ मोतदिल होती हैं यानी कि
ना ज़्यादा गर्म होता है ये इलाका, ना ज़्यादा ठंडा। दिस रीजन कंसिस्ट ऑफ एरिया ऑफ क्वेटा, किला सैफुला एंड कलार। ठीक हो गया। सेमी ह्यूमिड प्लेन एरिया, नीम मरतूब जो है मैदानी जो है इलाके जो है। इट इंक्लूड्स द प्लेन एरिया ऑफ दामनकोव वेयर हैवी अमाउंट ऑफ मानसून रेन फॉल अकर्स। इन समर द टेम्परेचर इज हाई, गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी है। एंड मानसून रेन फॉल, बारिशें भी होती हैं। वेयर एज द विंटर इज ड्राई एंड मॉडरेट। दिस रीजन इंक्लूड सियालकोट गुजरात एंड इस्लामाबाद। सेमी ड्राई प्लेन एरिया, नीम खुश मैदानी इलाके। एंड दिस रीजन रेनफॉल इज लो ड्यू टू लो मानसून एंड वेस्टर्न विंड। टेम्परेचर इज वेरी हाई इन समर, विंटर इज ड्राई एंड मॉडरेट। इट कंसिस्ट ऑफ द फर्टाइल प्लेन्स। अब ये जो सेमी ड्राई प्लेन एरिया है, यहाँ पर जो है जरखेज जो है मैदान है पंजाब के, नॉर्दर्न पंजाब के और पेशावर वैली के। सेमी एरिड रीजन, मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ सिंध, साउदर्न पंजाब एंड सेंट्रल बलोचिस्तान आर सिचुएटेड इन दिस सेमी एरिड एरिया। जो नीम सहराई इलाका है, यहाँ पर सिंध का इलाका, ज़्यादातर सिंध का और साउदर्न पंजाब, जनूबी पंजाब का और सेंट्रल बलोचिस्तान का इलाका यहाँ पर है। कम रेनफॉल होती है और समर जो है गर्मियाँ जो है शदीद गर्मी पड़ती है और विंटर इज माइल्ड, हल्की सर्दी होती है यहाँ पर। एरिड रीजन सहराई खत्ता, थरपारकर चोलिस्तान थल एंड खारान डेजर्ट्स आर इंक्लूडेड इन दिस रीजन। अब ये हमने अपने जब हमने डेजर्ट का टॉपिक पढ़ा था तो उसमें हमने तमाम सहराई इलाकों जो सहरा थे इनके नेम्स हमने पढ़े थे ना। हेयर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ रेन अकर्स, बहुत कम बारिशें होती हैं। समर इज एक्सट्रीमली हॉट, विंटर इज माइल्ड। देयर इज नो एग्रीकल्चर ड्यू टू ड्रॉट, खुशहाली की वजह से यहाँ पर कोई ज़राअत नहीं होती। कैटल रेयरिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, यहाँ का जो लोगों का जरिया माश है वो क्या है, जानवर पालना है। अब कोस्टल एरिया, इन द साउथ ऑफ पाकिस्तान इज द कोस्टल स्ट्रिप, जो समंदर के का जो साहिली इलाका है, साहिली इलाका जो है वो साहिली पट्टी का क्या होती है, जो समंदर के साथ जो पट्टी है वो कोस्टल स्ट्रिप कहलाती है ना। द वेदर हेयर रिमेन्स मॉडरेट, ये जो कराची का इलाका सारा है ना वो इसमें इंक्लूड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मौतदिल रहता है मौसम। द समर इज़ हॉट एंड द विंटर इज़ माइल्ड, रेनफॉल इज़ लो, कम बारिशें होती हैं। द इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, कराची पोर्ट, कासिम और गवादर आर लोकेटेड इन दिस रीजन। बेटे यहाँ पर हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे फिर हम लोग, इम्पॉर्टेंट ग्लेशियर्स ऑफ पाकिस्तान। इस टॉपिक को रीड करें और इसमें देखें क्या क्या इम्पॉर्टेंट बातें हैं, तो उसे याद करें, अंडरलाइन करें, मीनिंग देखें। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।